हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपनी गोविंद नगर नासिक साइट पर, जहां पर 3 BHK फ्लैट हम लोग पूरा फुल फर्निश कर रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। तो आज पर्टिकुलर हम पूरा 3 BHK का टूर कर रहे हैं, जहाँ पे ऑन प्रोसेस है। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिव न्यू डिज़ाइंस क्रिएट किए जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसके मिडल वर्क का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर आपके घर में भी इन प्रोसेस फर्नीचर चल रहा है तो आप काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ वहाँ पर इंक्रीज़ करके अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन में सेटअप कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ हम लिविंग रूम में, लिविंग रूम में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है ऑन प्रोसेस जब चल रहा है तो काफ़ी सारा मटेरियल बाहर की तरफ इस तरह से बिखरा हुआ रहता है, तो कुछ उसी हिसाब से ऑन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर टीवी नेट का डिज़ाइन चल रहा है, तो जैसे कि 3D में सारी चीज़ें आप पहले देख लीजिए किस हिसाब से प्लान किया गया है। और ऑब्वियसली हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सारे 3D एंड 2D प्लान को स्टिक कर देते हैं, ताकि पर्टिकुलर हमारी टीम और यहाँ पर हर विजिट करने वाले पर्सन को ये क्लैरिटी हो जाती है कि यहाँ पर किस हिसाब से स्ट्रक्चर रेडी हो रहे हैं। तो पहले आप देख लीजिए सारे 3D। तो 3D में आपने देख ही लिया है जिस हिसाब से टीवी नेट हमारा डिज़ाइन हुआ है, एग्जैक्ट उसी तरह से ऑन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। यहाँ से हम अंदर की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक और बेडरूम आ जाता है, जहाँ पर ऑन प्रोसेस वर्क चल रहा है। बट एक मैं मोटा मोटा आपको हम एक टूर तो ज़रूर करेंगे, जहाँ पर आपको सारे बेस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा वार्डरोब एरिया है, जिसका पूरा बेस रेडी हो चुका है और उसी हिसाब से हम इस साइड पूरा देख सकते हैं। ऊपर ऑलरेडी POP है, तो हमने उसे प्रॉपर तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया और वो पूरा कवर हो जाएगा लॉफ्ट के अंदर। और एग्जैक्ट डिज़ाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे ओपन शेल्फ्स दे दिया है, ताकि जब भी आप बाहर से और अंदर की तरफ जाए तो डेली यूज़ वाला मटेरियल आप सारा यहाँ पर ओपन शेल्फ में कैरी कर सकते हैं। वार्डरोब में एक साइड हमें पिलर फेस हुआ है, तो हमने उतना स्पेस एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है और वहाँ पर हमने जस्ट एक नॉर्मल शटर दे दी, कि ऑब्वियसली वो पिलर वाला स्पेस है तो वहाँ पर ड्रावर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमने जस्ट एक शटर दे दी, ताकि हम इस स्पेस का थोड़ा बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ कर लेंगे। और दो ड्रावर को इस तरह से सेटअप में ऑर्गेनाइज कर दिया, तो लुकवाइज बाहर से ऐसे लगेगा जैसे ये लॉकर है, जबकि हम जैसे उस स्पेस का यूटिलाइज़ करने के लिए इस तरह का आइडिया हम लोगों ने चूज़ किया। यहाँ पर नॉर्मल दो ड्रावर्स ले ली है और इस हिसाब से ऑर्गेनाइज हो गया वार्डरोब। बेड भी हमारा सेम उसी तरह से, सारे लाइट पॉइंट्स वगैरह सब कुछ अभी चल ही रहा है, तोड़ फोड़ के अकॉर्डिंग सारे लाइट पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं फर्नीचर के अंदर से। बेड हमारा नॉर्मल बेड हो गया है। उस साइड से हम लोगों ने एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया, जो दो पर्पज़ सॉल्व कर देगा, एक साइड टेबल के अकॉर्डिंग भी हमारा वो पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा एंड देन हमारा ड्रेसिंग वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल सा हम लोगों ने जस्ट स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया है, जहाँ पर मोस्टली लैपटॉप वगैरह यूज़ होने वाले हैं। एक्सेस करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और नॉर्मल एक ट्रे यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी गई है। ऊपर स्टोरेज के लिए जस्ट टू शटर का कैबिनेट और नीचे प्रोफाइल लाइट आ जाएगी, तो हमें लाइट पॉइंट यहाँ पर काफ़ी पास में है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चाहे तो हम ऊपर से भी अपने लाइट पॉइंट्स लेकर ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर। अब हम दूसरे बेडरूम में चलते हैं। तो जैसे ही आ रहे हैं, लिविंग हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे पूरा डाइनिंग वाला एरिया हो जाएगा और जहाँ पे पूरा मटेरियल रखा है वो एक्चुअली पूरा सिटिंग एरिया है। ऊपर POP भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी POP है, पूरा वन रूम कवर कर रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली ये POP की डिज़ाइन। और यहीं से हमारे आगे के दो बेडरूम है, बट सबसे पहले बीच में हमारा किचन लग गया है, तो मैं पहले किचन आपको टूर करवा देती हूँ। किचन हमारा पैरेलल शेप में है, जैसे आप देख रहे हैं इस साइड पर भी, कि यहाँ पे पूरा स्टिक कर दिया गया है प्लान। बट अब प्लान में हमने थोड़े से चेंजेस किए, कि जब हम राइट नाउ जब प्रैक्टिकली आ जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें रहती है जिसमें हम चेंजेस करवाना चाहते हैं। पैरेलल किचन मिल गया है, ये पूरा ट्रॉली वाला सेक्शन हो जाएगा स्टोरेज वाला, और यहाँ पर हमारा सिंक एरिया, यहाँ पर शेल्फ आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पूरा SS का फ्रेम दिया है, देन उसके ऊपर पूरा टॉप ऑर्गेनाइज हुआ है। तो अगर आप बजट वाइज इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये वाला पॉइंट भी देख सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो SS के नीचे के फ्रेम है, ऑब्वियसली वो जंग चुकी है, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप इस तरह के क्वालिटी में जा रहे हैं तो 304 मैं आपके लिए रेफ़र करूँगी। क्योंकि क्या हो जाएगा, जब आप इसमें अपना SS का सेगमेंट डालोगे तो ऑब्वियसली वो दूसरे चीज़ों को भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं तो कड़प्पा हमारा बेस्ट ही है।
सेम पैरेलल वाला सेक्शन है जिसकी डीप थोड़ी सी कम है। यहाँ पर जो सेटअप हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, यहाँ पर चेंजेस हमने कुछ इस तरह से कर दिए, पूरा कैबिनेट वाला एरिया हो गया, यहाँ पर फ्रिज वाला कंपार्टमेंट आ गया, ऊपर हमने दो शटर्स का एक्स्ट्रा कैबिनेट दे दिया ताकि इस स्पेस का हम यूटिलाइज कर पाए। ऑब्वियसली जब फ्रिज वाली ऊपर की स्पेस आ जाएगी तो वो वाली स्पेस में हम सारे अपने अचार वगैरह ये सारी चीज़ों को अपना हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिलर आया था हमें, तो ये पिलर लगभग 8 इंच का था और इस छोटी सी स्पेस का हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते थे, तो हमने जस्ट एक अंदाज़ा लगाया कि हमने जितना ये पिलर बाहर की तरफ आया उतना 1 फीट का एक पूरा 7 फीट तक हमने एक कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया जिसके ऊपर हम एल्युमिनियम का प्रोफाइल शटर यूज़ करेंगे या फिर उसमें हम दो कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। वो प्रोफाइल शटर हम ग्रे कलर के साथ भी जाने वाले हैं जिसमें लाइट पॉइंट हमने यहाँ से ले लिया ताकि हम यहाँ से सारे स्विच पॉइंट एक्सेस करेंगे एंड देन यहाँ से दो शटर में वो डिवाइड हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप 3D भी देख सकते हैं कि हम इस स्पेस का क्रॉकरी के हिसाब से भी यूटिलाइज करने वाले हैं। ऊपर हमने लॉफ्ट दे दिया जिससे एक स्मॉल सा स्टोरेज, उस अकॉर्डिंग हमने डायरेक्टली ऊपर की तरफ लॉफ्ट वाला एरिया दे दिया जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है बट नॉर्मल स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमने उतना पर्पस सॉल्व कर दिया। और उसके बाद बैक साइड का जो काउंटर रहेगा उसमें जस्ट शटर दे देंगे ताकि बड़ी से बड़ी चीज़ें आप इजीली स्टोर कर पाओगे। और ये सारा बेसिक प्लान हो गया, अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। इसका पूरा फुल शूट जब मैं करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस आपको हो जाएगा और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आपको नज़र आ जाएगा ताकि किस हिसाब से प्लान किया जाता है। और सबसे बेटर ये है कि अगर आप अपने घर के लिए कुछ इसी तरह से प्लान करना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगी आप 3D प्लान के साथ जाइए और प्लस 2D प्लान के साथ जाइए। 2D में हमारे सारे मेजरमेंट्स क्लियर हो जाते हैं कहाँ पर हमें कितनी स्पेस मिल रही है और 3D प्लान में हमारा कलर पैलेट, हमारी डिज़ाइन, हमारे कंपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो अब हम जिस बेडरूम में आए तो यहाँ पर इस तरह से पूरा प्लान ऑर्गेनाइज हो गया है। सामने की तरफ एक विंडो मिली है तो हमारा ऑब्वियसली पूरी 3D देखने के बाद आपका ये क्लियरेंस हो जाएगा कि यहाँ पर हम वार्डरोब विद ड्रेसिंग लेने वाले हैं, उसके ऊपर लॉफ्ट वाला एरिया हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पूरा बेड आ जाएगा और बेड के साइड टेबल्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो जिस हिसाब से आप रूम साइज़ देख रहे हैं, हर रूम को हमें कुछ अच्छी सी बालकनी मिली है और एक साइड का रूम है जहाँ पर हमें बालकनी नहीं मिली है तो वहाँ पर हमने कुछ अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है। इस रूम का टूर जो जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि स्पेस का यूटिलाइज कैसा किया जाए, एक तो हम दिशा के हिसाब से भी ये सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। बेड हमने इस डायरेक्शन से लिया है ताकि जब बालकनी को एक्सेस करना रहा तो इजीली हम वहाँ से कंफर्टेबली एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर विंडो थी तो ऑब्वियसली हम इसे पैक करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वेंटिलेशन देगी हमारे बेडरूम को। तो हमने वार्डरोब पूरा इस स्पेस पर ऑर्गेनाइज कर लिया, ये वाला पॉइंट निकल के हम लोग साइड टेबल पर ऑर्गेनाइज कर दिए ताकि ये सारी चीज़ें वहाँ से एक्सेस हो पाएगी और हमारा ड्रेसिंग यहाँ से आ जाएगा इस साइड से। तो हम यहाँ से एक पॉइंट निकाल के ड्रेसिंग वाले सारे लाइट पॉइंट्स इस तरह से दे देंगे तो ये सारे वायर पॉइंट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा फर्नीचर के अंदर ही। अब हम दूसरे बेडरूम में चलते हैं। तो ये जो बेडरूम है, बेडरूम का पर्पस हमें इस हिसाब से सॉल्व करना था कि एक्चुअली ये है एक गेस्ट बेडरूम के हिसाब से एक्सेस किया जाने वाला है। तो यहाँ पे जस्ट हम एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि जब भी कोई गेस्ट आए तो ऑब्वियसली वो अपना सारा मटेरियल इसमें स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस वाले दिशा के हिसाब से, तो ये इस कॉर्नर में ऑर्गेनाइज हो जाएगा और वार्डरोब इस हिसाब से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ऊपर साइड पर लॉफ्ट आ जाएंगे। बाकी के स्पेस में हम अपना ऑलरेडी एक फर्नीचर है हमारे क्लाइंट का जो कि वो गेस्ट बेडरूम में यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस बेडरूम का काफ़ी सारा जो सेटअप है वो पर्पस, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पुराने घर के फर्नीचर भी रहते हैं बट कुछ फर्नीचर हम गेस्ट रूम में ऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। बाकी के जितने भी रूम्स हैं हम चाहे तो वहाँ पे नए फर्नीचर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रही बात अब मटेरियल क्वालिटी की, तो ऑब्वियसली जब आप पूरा होम पे घर मतलब पूरा घर पर वर्क करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सारा मटेरियल आपके आंखों के सामने रहता है बट अगर आप मॉड्यूलर के साथ भी जाते हैं तो ऑब्वियसली पूरा रेडी होगा और जस्ट आपके यहाँ पर आकर 2 दिन में या 3-4 डेज में वो फिटिंग हो जाएगा। बट एक और ऑप्शन रहता है 70+30, अगर आप ऑलरेडी किसी घर में रहने के लिए है तो आप 70+30 के साथ जा सकते हैं जहाँ पर सारे बेस रेडी होकर आते हैं लाइक दिस, इस हिसाब से सब बेस रेडी होकर आता है और आपके यहाँ पर सिर्फ लैमिनेट वाला प्रोसेस होता है जिसमें घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है और सारी फिनिशिंग्स बिल्कुल होममेड की तरह ही होती है। यहाँ पर राइट नाउ जो हम मटेरियल देख रहे हैं तो पहले एक बार मैं वो आपको टूर करा देती हूँ।
मटेरियल जो हम देख रहे हैं ऑब्वियसली सारे प्लाई सामने ही है, BWR बॉयल वाटर रेजिस्टेंस सारे प्लाई यूज़ हो रहे हैं, बोथ साइड लैमिनेट है, सारे 1 mm के लैमिनेट है। हार्डवेयर हम लोग बहुत सारे मल्टीपर्पज़ हैटिज एंड एक्सलेंजा दोनों हार्डवेयर के साथ जा रहे हैं। बाकी हैंडल और बाकी के सारे हार्डवेयर की क्वालिटी हम पूरे फर्नीचर एंड में ही देख पाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब पूरे बेस रेडी हो रहे हैं तो पूरे बेस लगने के बाद सारे हार्डवेयर के कंपार्टमेंट में लाइक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम, तो फाइनली पूरे हार्डवेयर हमें पूरी फिटिंग के बाद ही नज़र आने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में बने रहिए, क्योंकि इसके बाद जब मैं पूरा शूट करूँगी तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगी तो पूरा फुल फर्निश हो चुका होगा, या फिर अगर मेरा मन कहे कि अब लैमिनेट के बाद जो प्रोसेस मुझे आप लोगों को दिखानी है तो मैं वो भी शूट करूँगी। इसलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट में बने रहिए ताकि हम मुझे आपको स्पेशली सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपको हर प्रोजेक्ट का नज़र आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।